तो हमारा जो जहाज है ना सर, अभी जो हमारा जहाज है ना सर, लोकेशन खो चुका है समुद्र के बीच। मेरी जो साइकोलॉजी है वो मेरी है, इसको अपनी मत बनाओ। ये भी कह रहे हैं सर, जो चीज आप देख लेते हो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती। अब जब आप नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। मैंने काफ़ी दिनों से वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, जब इसका प्राइस काफ़ी नीचे था, तब मैं इसके प्राइस को अपनी बुद्धिमता से और अपनी साइकोलॉजी से और अपनी एक एनालाइज से इसको ऊपर तक के हमने एक स्तर जो देखा था वो हमें दिख गया था। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सर, जो चीज़ आप देख लेते हो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती। अब जब आप यस बैंक के पीछे पड़ गए हो तो यस बैंक ऊपर भाग रहा है, पहले आप आइडिया के पीछे पड़े थे तो अब आइडिया ऊपर भाग रहा था। तो ये कैसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिख जाती है हमें नहीं दिखती। तो सर मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको भी दिखेगी, पर वो आप उस नज़र से नहीं देखते सर। आप देखते हो कि न्यूज़ आई, खुश होकर देखते हो इस चीज़ को। तो जैसी भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है उसको नॉर्मल एक तरीके से देखिए, उसको जल्दबाजी में शेयरों को बेचना और ख़रीदने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। जहाँ एक ये न्यूज़ आ गई थी कि अभी एक दो दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि वोडाफोन PLC जिनकी 44.39% की हिस्सेदारी आइडिया वोडाफोन में है, उनके द्वारा एक पहले एक स्टेटमेंट आया था और आइडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से एक स्टेटमेंट न्यूज़ के द्वारा आया था कि वो नई इक्विटी लाकर पूंजी इकट्ठा करेंगे। तो इसकी वजह से भी थोड़े शेयर ऊपर की तरफ चले गए थे, तो उसको भी हमने एक अलग तरीके से देखा था और हमने व्यक्त कर दिया था कि अब आपको आइडिया फंसा रहा है, थोड़ा संभल जाओ। तो जो बंदे संभल गए थे वो तो बिल्कुल ही खुश होंगे कि उन्होंने अपने शेयरों को ऊपर की तरफ भेज दिया। और अब जो फंस गए हैं इसके अंदर धीरे धीरे इसकी तेज़ी को देख कर, कि जो कह सोच रहे थे कि अब ये 100 जाएगा, 50 जाएगा, 30 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, तो उनको तो अब बड़ा ही झटका लगा है कि जब वोडाफोन आइडिया PLC की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम कोई भी पूंजी इकट्ठा करने के लिए नई इक्विटी नहीं ला रहे हैं, तो ये न्यूज़ आज आ गई है। इसकी वजह से ही हमारा शेयर आज 30 से 40 पैसे के नीचे के स्तर दिखा चुका है। तो ये नीचे के स्तर सर आपको एक दो दिन दिखेंगे, मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर दिखा दी थी। अभी तो हमारा जो जहाज है ना सर, अभी जो हमारा जहाज है ना सर, लोकेशन खो चुका है, समुंदर के बीच में पड़ा है। जब तक के इसको रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तब तक के वोडाफोन का जो जहाज है नहीं बचेगा। इसको बात को कहीं आप लिख लो। और ये भी नहीं है कि ये जहाज डूब जाएगा, क्योंकि इस जहाज के पास ईंधन बहुत है और खाने की इसकी जो चीजें होती है बहुत चीजें हैं, तो ये कहीं नहीं डूबने वाला। बस ये थोड़ा सा खो गया है और खोने की वजह से ही हमारे शेयर जो है कम प्राइस पे आ गए हैं। इसका मतलब यही होता है जब किसी शेयरों में, मैंने आपको पहले कहा था, सबकी नज़र पड़ जाती है, उस शेयरों में न्यूज़ आना ही आना होता है, चाहे वो किस तरीके से आए, कभी भी आए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है तेज़ी का, जब हम सारे शेयर उसको ख़रीद लेते हैं तब वो न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ हमारे शेयरों को हल्के से नीचे लाती है। उसमें से 80% लोग निकल जाते हैं और जो बाकी बचते हैं वो संयम बरतते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोडाफोन आइडिया ऊपर ज़रूर जाएगा। मैं भी कहता हूँ वोडाफोन आइडिया ज़रूर ऊपर जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए कंफर्म तब होऊंगा जब मुझे एक सरकार की तरफ से पता लग जाए कि वो AGR की जो अमाउंट है वो किस तरह से ले रही है। बस मुझे ये चीज़ पता लग जाए तो मैं भी इसके अंदर अपनी मनोबल से और एंट्री करूंगा। इसके अंदर अभी तक नहीं की है एंट्री, मैं तब करूंगा और आपको भी बता दूंगा। फिर भी बता रहा हूं सर, मेरी जो साइकोलॉजी है वो मेरी है, इसको अपनी मत बनाओ, अपनी और ज़्यादा बढ़िया बनाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर सिर्फ साइकोलॉजी से काम होगा। वो मैंने आपको दिखा दिया, जीत गई ना साइकोलॉजी सर, साइकोलॉजी जीत गई। जब मैंने कहा था दो तीन दिन पहले वीडियो बनाकर कि इसमें अब गिरावट के सिलसिले शुरू होंगे, तो बहुत से लोगों ने निगेटिव कमेंट कर दिए और कहा कि कुछ भी, तो कुछ भी सर नहीं करते हम सच्चाई के साथ चलते हैं और सच्चाई और मेरी साइकोलॉजी हमेशा जीतती है और आपकी भी साइकोलॉजी मजबूत कर दूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आइए, DOV भेजिए और अपने नंबरों को अच्छे से अच्छा कीजिए। खुशी की बात यह है कि शेयर मार्केट में काफ़ी गर्ल्स भी आ रही हैं और जवान के साथ इस मार्केट को समझना चाह रही हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से भी इसके अंदर एंट्री की है बहुत ही बढ़िया है, और धीरे धीरे अपने पैसों को हल्का कीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता से इस मार्केट को
कैप्चर कीजिए, ये बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन इसके अंदर लालच छोड़ना पड़ेगा और लालच की वजह से इसके अंदर लोग फंस जाते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।